नजरी, आज मैं आपको पुलिस टॉपिक डिस्कस करूंगा और आपको ये बताऊंगा कि पुलिस इन अल्फाजों का मजमुआ है, इसका फुल फॉर्म क्या है और हर एक मुल्क की पुलिस है मुल्क में अमन अमान कायम रखने के लिए उसका कलीदी किरदार है। तो पुलिस का फॉर्म ये है, अल्फाजों का जो मजमुआ है वो ये है। फी जो है ये पोलाइट है, आप देख रहे हैं पोलाइट, इसका माना है कि वो नरम खू होगा, वो बुधवार होगा नरम खू होगा। और फी से जो मुराद लिया जाता है वो ओबेडियंट है, वो ताबे फरमान है, यानी वो ऑर्डर फॉलो करता है। इसी तरह जो पुलिस में लफ्ज एल है वो है लायल, यानी ये वफादार होगा मुल्क के साथ, ये वफादार होगा कौम के साथ, मुल्क के साथ ये पुलिस वफादार होगा। तो ये आई से मुराद है इंटेलिजेंट, यानी वो जहीन होगा, हर एक चीज़ पर उसका नज़र होगा, ये बहुत इंटेलिजेंट होगा, जहीन होगा। और सी से मुराद जो है ये कोऑपरेटिव होगा, वो मुआविन होगा, अगर इसकी मदद की ज़रूरत हो तो पुलिस उसको कानूनी और अखलाकी जो है ये इमदाद फराहम करेगा। इसी तरह पुलिस के जो ई से मुराद दिया जाता है वो एफिशिएंट है, एफिशिएंट का माना है कि वो काने होगा, बहुत बुधबार होगा, सब्रनाक होगा। तो ये पुलिस जो है, ये पुलिस जो लफ्ज़ है, इसका जो जितनी भी ये अल्फाज आए हैं, इसका ये अपना अपना जो अलहदा अलहदा ये तर्जमा है, यानी ये नरम खू होगा, ये ताबिर फरमान होगा, यानी इसके आदात अच्छे होंगे, आदत पाल होंगे, इस तरह वफादार होगा, कौम के साथ वफादार होगा, जहीन होगा, मुआविन लोगों के साथ वो इमदाद करेगा कानूनी, और ये काने होगा। तो नाज़रीन पुलिस का जो है बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है और अमन अमान मुल्क में अमन अमान कायम रखने के लिए ये पुलिस की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो जराइम के रोकथाम करें, यानी जराइम के रोकथाम की जिम्मेदारी पुलिस की जिम्मा है और ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसी वैसी तो पुलिस की और भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है और इस तरह लोगों को पेश करना, समन वारंट की तामील करना और इस तरह तफ्तीश करना, मुकदमात को अदालत में पेश करना, तो ये पुलिस के बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी है। और नाज़रीन में आपको ये भी बताता चलूँ कि पुलिस की जो सबसे बड़ा अफसर होता है, पुलिस महकमा पुलिस का सबसे बड़ा अफसर, उसे IGP कहते हैं, यानी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ये पुलिस में सबसे बड़ा ओहदा है और ये 22 ग्रेड का ऑफिसर होता है और ये IGP किसी भी पुलिस का जो है सबसे बड़ा सरबराह है और उसका ओहदा जो है ये 22 ग्रेड होता है और ये उनकी जो नीचे कमान है तो ये फिर एडिशनल IG है, फिर AIG है, इसके बाद जो है CCPO है, इसके बाद DIG है, DIG साहिबान है, इसके बाद जो है वो DPO साहिबान है, SSP साहिबान है और SP साहिबान है और इसकी जो कमान में है जनाब DSP साहिबान है, इंस्पेक्टर साहिबान है, इसकी आते जाए तो इस तरह सब इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है और हेड कांस्टेबल से और पुलिस है। तो ये सबको मिलाकर ही पुलिस जो है ये एक इदारा है जिससे पुलिस बन गई और इसका ये जो मैंने आपको इस बोर्ड से बोर्ड के ज़रिए आपको समझाया, इसका ये जो है ये माना है, ये अंग्रेज़ी इसका माना है और ये उर्दू का ये इसका जो है माना है। तो अगर कोई इम्तिहान में आ जाए, कोई ऐसे वर्ड्स आ जाए जिसका कोई एब्रिवेशन हो, कोई मुखफ्फफ अल्फाज हो, तो आप इम्तिहान में ये लिख सकते हैं और आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। यकीन इस वीडियो की वजह से आपके इल्म में काफ़ी इजाफा होगा और हम कोशिश करते हैं कि आपको नई नई वीडियो लाएँ, इस तरह के टॉपिक लाएँ, छोटे छोटे टॉपिक हैं ताकि ये आपके इल्म के में इजाफे का सबब बन जाए और आप जो है आपके मुस्तकबिल जो है रोशन हो, आपका मुस्तकबिल जो है ताबनाक हो और आप कामयाबी हासिल करेंगे। तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए
और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कीजिए और सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस तरह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।